जी ये मोटर लगी हुई है चाइना मेड, ये पीछे वाला व्हील है, पीछे वाले व्हील में भाई ने मोटर लगाई हुई है, चाइना मेड की है, और सामान है, आधी बाइक है, आधी साइकिल है, बैटरी दिखाइएगा। अल्लाह खैर, शुक्रिया। हाँ जी, इंडिया को हम कैच कर सकते हैं क्योंकि इंडिया बिल्कुल हमारे अभी आगे पीछे की बात है, क्योंकि आगे पीछे की बात नहीं कह सकते अब्दुल्ला भाई, काफ़ी आगे जा चुके, काफ़ी आगे में भी हम उस अगर हमारी गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे या हमारे जो रिसोर्सेज हैं अगर हम उसको इस तरफ लाएं तो हम उसको जल्दी पकड़ सकते हैं, वो ज़्यादा दूर गया नहीं है, ज़्यादा दूर लेकिन जापान इस मामले में बहुत आगे जा, इतना नज़दीक भी नहीं कहा जा सकता, नहीं अगर आप कोशिश नहीं करेंगे और आप वहीं खड़े रहेंगे तो वो तो आगे निकलता रहेगा, तो निकल भी, हाँ लेकिन अगर आप खुद कोशिश करना शुरू करेंगे तो फिर ही आप उसको पकड़ सकते हैं, आप वहीं खड़े रहे और आप ये कहें कि मैंने उसको यहीं खड़े खड़े पकड़ना तो फिर तो बहुत मुश्किल है, डबल पे चल गई है। चले सर, ये ज़रा थोड़ा सा हमें घुमा के दिखाएं, ये देखें जी ये स्टार्ट हो गई है, थोड़ा सा इसको पैंडल लगाना पड़ता है थोड़ा सा स्टार्ट के लिए, बस ठीक हो गया, फिर साथ साथ रेस देती है, बस ठीक हो गया, ये बस चल पड़ेगी इधर इधर बोलते जाए बताते जी जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है और लोगों के लिए, कि ये एक लोग जो पेट्रोल के लिए तंग है उनके लिए ये बहुत, पेट्रोल का क्या रेट है पाकिस्तान में, पेट्रोल का तकरीबन 300 रेट है, 300 के करीब, तो 300 के पास है, हाँ जी 300 के पास है, सही है, इसके सामने खड़ा करने आपने पास इधर ही अच्छा, का रेट मौजूदा जो है वो 1,65,000-70,000 की हो चुकी है, जी बिल्कुल ऐसा ही है, तो कैसे फिर आपको तो बड़ी आसानी होती हो, ये उन लोगों के लिए है जो पेट्रोल से तंग है, जो पेट्रोल से नहीं अफोर्ड कर सकते, पूरे पाकिस्तान में हर बंदे ही तंग है, वो तंग ऐसे बस कुछ जबानी कहने वाले तंग होते हैं और कुछ इस पे आने वाले होते हैं, उसमें से तकरीबन 80% जो होते हैं वो सिर्फ बातें ही करते हैं, 20% वाले इस पे आते हैं। ये इसकी मैं आपको कीमत बता दूं, अब्दुल्ला भाई देखिए कैसी लग्जरी गाड़ी है, लग्जरी साइकिल है, कितनी खूबसूरत साइकिल है, ठीक हो गया, पैडल भी है और साथ साथ चार्जेबल भी है, ये सिर्फ 31,500 की है, रीज़नेबल प्राइस है, बहुत रीज़नेबल है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान आना नासिर और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल नाजन। आज हम एक और टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करने जा रहे हैं, साइकिल है, साइकिल के ऊपर रिएक्शन लेंगे, भाई हमारे साथ मौजूद है, इनके पास भी एक ये बाइक, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर है, ये भाई को थोड़ी सी टेक्नोलॉजी भी दिखाएंगे और इसके हवाले से भी थोड़ी राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, ये जो आपके पास व्हील चेयर है, हाँ जी, इलेक्ट्रिक है? हाँ जी इलेक्ट्रिक है। अच्छा जी, ठीक हो गया, और ये क्या, इसका 1 किलोमीटर जो है वो कैसे करती है? ये 1 चार्ज पे ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर कर जाते हैं, इजी 1 चार्ज पे 8 किलोमीटर, हाँ जी 8 किलोमीटर कर, 8 किलोमीटर कर, हाँ जी सही हो गया। और ये कितनी आप ट्रेवल कर लेते हैं? मेरा अलग शुक्र है, 1 चार्ज पे 1 दिन आराम से गुजर जाता है। 1 चार्ज पर 1 दिन कितना टोटल ट्रेवल बन जाता है आपका? मेरा तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर होता है ट्रेवल, 5 से 6 किलोमीटर, हाँ जी सही है। और ये कितनी चार्ज होती है टोटल? ये मैं इसको 5 आवर्स चार्ज करता हूँ, 5 घंटे चार्ज कर, हाँ जी 5 घंटे, 5 घंटे चार्ज करने के बाद आपने जिधर जाना होता है बाफाजत आप चले गए, हाँ जी आराम से। अच्छा, इसका कोई फीचर बताइए? इसका फीचर कोई ज़्यादा फीचर्स नहीं है, बस ये जॉयस्टिक से कंट्रोल होती है, इसका मेजर फीचर यही है। इसको थोड़ा रिवर्स फ्रंट पे लाइएगा, बैक करके लेफ्ट राइट करिए, और ब्रेक का क्या सिस्टम है इसका? ब्रेक का ये है कि आप जॉयस्टिक छोड़ें तो ब्रेक लग जाती है, मतलब आप जब चला रहे होते हैं ये स्टिक आगे को करेंगे, हाँ और इसको जिधर छोड़ूंगा उधर रुक जाएगी, उधर ही रुक जाएगी, हाँ मतलब जी। कितनी मर्जी स्पीड में हो, हाँ इसकी स्पीड ज़्यादा नहीं है, कोई 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी स्पीड है, 3 किलोमीटर पर आवर के, हाँ जी सही। अच्छा मेरे भाई, मैं अब्दुल्ला भाई आपको एक ये साइकिल दिखाने जा रहा हूँ, साइकिल आप देखें कैसी साइकिल है, ये इलेक्ट्रिक साइकिल है, अच्छी है, इसमें हॉर्न भी, ये देखें हॉर्न भी लगा हुआ है, लाइट भी है आपकी, इस पर लाइट लगाई है आपने? हाँ जी लाइट लगी हुई है। अच्छा कितना लाइट दिखाइएगा, जलती है लाइट? नहीं उसकी वायरिंग का इशू है, इस वजह से आजकल जल नहीं रही। अच्छा अच्छा हॉर्न लगा हुआ, वो हॉर्न है, सही हो गया। अच्छा लाइट है इसमें, लेकिन लाइट अभी फिलहाल जो है वो अपन डैमेज हुई हुई है, वायरिंग का इशू है, वायरिंग का इशू है, सही हो गया। अच्छा सर ये साइकिल देखिएगा आप, ये साइकिल आपको कैसी लग रही है, इलेक्ट्रिक साइकिल अच्छी है? और क्या लगता है आपको ये साइकिल कौन सी कंट्री की हो सकती है?
अब्दुल्ला भाई ये देखिएगा, ये पाकिस्तान की है मेरे ख्याल से। नहीं सर, पाकिस्तान की नहीं, फिर चाइना की होगी। चाइना की भी नहीं अब्दुल्ला भाई। नहीं फिर नहीं, मुझे गेस करिएगा इसकी टेक्नोलॉजी कौन सी कंट्री बनाना शुरू होगा। जापान, फिर जापान है। जापान भी नहीं, क्योंकि जापान के पास सबसे ज़्यादा इस चीज़ के बारे में टेक्नोलॉजी है। मैं आपको और दिखाता हूँ, ये देखिएगा। नहीं मुझे, आप देखिए। नहीं मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा। देखिए मीटर भी है, इलेक्ट्रिक मीटर भी है उसका। इलेक्ट्रिक मीटर है, हेडलाइट है, हॉर्न है और 5 गियर है। नहीं मुझे अंदाजा नहीं हो। ये आपकी नेबरिंग कंट्री ने ईजाद की। अच्छा, कौन सी हो सकती? इंडिया। अब आप पहुंची है। तो क्या लगता है सर, भारत जो है वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा चुका है, आए दिन कोई ना कोई नई से नई टेक्नोलॉजी बना। ये काम तो पाकिस्तान में भी हो रहा है इस बारे में, इलेक्ट्रिक साइकिल वगैरह के बारे में, क्योंकि मैं अपने व्हीलचेयर जिनसे रिपेयरिंग वगैरह करवाता हूँ, वो उन्होंने भी एक इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई हुई है। पाकिस्तानी है? पाकिस्तानी है, लेकिन यहाँ पर यह है कि उस चीज़ को इतना अभी प्रमोट नहीं किया जा रहा और इलेक्ट्रिक चीज़ों को इतना अभी हम अडॉप्ट नहीं कर रहे, जिस वजह से यहाँ पर उस तरह उसकी पब्लिसिटी नहीं हो रही। इंडिया में यह है कि उनकी गवर्नमेंट उसकी पब्लिसिटी वगैरह कर रही है, तो इस वजह से वो काफ़ी फेमस हो रही हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये जो व्हीलचेयर है इलेक्ट्रिक, ये आपने कितने की परचेज़ की? ये मैंने एक एनजीओ से ली थी, ये उन्होंने मुझे जापान से इम्पोर्ट करा के दी थी। जापान से इम्पोर्ट? हाँ जी। और जो पाकिस्तान की है, आपकी नज़र में आपको लगता है कि पाकिस्तानी इस जापान का या इंडिया का मुकाबला कर पाएंगे? इंडिया का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जापान का भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जापान इस पर वर्ल्ड वार टू के बाद से काम कर रहा है। क्योंकि वर्ल्ड वार टू में जब वहाँ पर एकदम से डिसेबिलिटी काफ़ी आ गई थी, तो जापान ने उसके बाद से उस पर काम करना शुरू किया है। तो जापान हमसे अभी इस मामले में 100 साल आ गया है। 100 साल, ठीक है। तो इंडिया अभी, क्योंकि इंडिया को हम कैच कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया बिल्कुल हमारे अभी आगे पीछे की बात है। क्योंकि आगे पीछे की बात नहीं कह सकते अब्दुल्ला भाई, काफ़ी आगे जा चुके। काफ़ी आगे में भी हम उस, अगर हमारी गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे या हमारे जो रिसोर्सेज हैं, अगर हम उसको इस तरफ लाएं, तो हम उसको जल्दी पकड़ सकते हैं। वो ज़्यादा दूर गया नहीं है, ज़्यादा दूर, लेकिन जापान इस मामले में बहुत आगे जा, इतना नज़दीक भी नहीं कहा जा सकता। नहीं, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे और आप वहीं खड़े रहेंगे, तो वो तो आगे निकलता रहेगा, तो निकल भी। हाँ, लेकिन अगर आप खुद कोशिश करना शुरू करेंगे, तो फिर ही आप उसको पकड़ सकते हैं। आप वहीं खड़े रहे और आप ये कहें कि मैंने उसको यहीं खड़े खड़े पकड़ना, तो फिर तो बहुत मुश्किल सी बात है। अच्छा, ये इसकी मैं आपको कीमत बता दूं। अब्दुल्ला भाई देखिए कैसी लग्जरी गाड़ी है, लग्जरी साइकिल है, कितनी खूबसूरत साइकिल है, ठीक हो गया। पैडल भी है और साथ साथ चार्जेबल भी है। ये सिर्फ 31,500 की है, रीज़नेबल प्राइस है, बहुत रीज़नेबल है। पाकिस्तान में साइकिल की क्या प्राइस होगी, कुछ पता है आपको? जो इलेक्ट्रिक साइकिल है वो तो 120 से स्टार्ट होती हैं, मतलब 1.5-2 लाख की। हाँ, 1.5-2 लाख की। और जो नॉर्मल साइकिल है, जो हमारी आम गियर वाली साइकिल होती है, वो भी हमारी 31,000 से स्टार्ट होती है। स्टार्ट होती है। अब तो पाकिस्तानी बाबा साइकिल जिसे बोलते हैं पुराने वक्तों की, वो भी 20 से 25,000 की होगी। हाँ जी, ऐसे ही है। तो फिर ये साइकिल अगर देखा जाए, तो फिर ज़्यादा इनमें फ्यूचर नहीं है? नहीं है, क्योंकि अब हमारा जो फ्यूचर है वो सारा इलेक्ट्रिक चीज़ों पर आ रहा है, इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक कार्स पर। तो इलेक्ट्रिक साइकिल भी आ रही है, ये सारा कुछ ऐसे ही है। आगे दौर भी सारा इलेक्ट्रिक का ही है, टेक्नोलॉजी का ही है, क्योंकि एनवायरनमेंट इतना गंदा हो गया, तो उस वजह से दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो आगे जो दौर है वो सारा इलेक्ट्रिक का ही है। जज़ाकअल्लाह खैर अब्दुल्ला भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, आपका कीमती टाइम लिया, जज़ाकअल्लाह खैर, शुक्रिया। ये तो नाज़रीन वीडियो जो है बड़े इंटरेस्टेड होने वाली है। मेरे साथ पाकिस्तानी भाई मौजूद है, जो कि खुद भी इलेक्ट्रिक साइकिल बना चुके हैं। ये साइकिल का फ्यूचर जानेंगे, इसके बारे में तफसील जानेंगे। भाई मेरे साथ मौजूद है, और इनसे पहले जो है रिएक्शन वीडियो पे बात करेंगे, इन्हें वीडियो दिखाएँगे और पूछेंगे कि ये आपको साइकिल जो है कौन सी कंट्री की लग रही है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज असदुल्ला है, मैं माल्टोन और डेरा गाजी खान के रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पे माल्टोन में और वैसे डेरा गाजी खान के रहने वाला। अच्छा, ये आपने जो इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई, इसके बारे में बाद में पता करेंगे। जी जी। आपको ये साइकिल कौन सी कंट्री की लग रही है?
ये साइकिल मुझे लग रही है जापान की लग रही है। नहीं जापान नहीं है, ये इंडोनेशिया की होगी। फिर इंडोनेशिया भी नहीं है, फिर हमसाया ममालिक की है। हमसाया ममालिक इंडिया की होगी। इंडिया की साइकिल है सर, चेक करें कैसी साइकिल है। बड़ी जबरदस्त कमाल की साइकिल है, देखने में तो ऐसे ही बड़ी खूबसूरत लुक भी लगा हुआ है। जी जी, लुक को देखें सर। हाँ जी, लुक भी बहुत अच्छी है, हॉर्न भी लगा हुआ है, हेडलाइट भी जलती है, और माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त साइकिल है। जी जी, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है 31,500 की है। वहाँ पे 31,000 की है, और हमारे पाकिस्तान में तो ज्यादा बनेगी ना, ज़्यादा की होगी, जाहिर सी बात है। वैसे देखा जाए तो आप अपनी कंट्री को डेवलप करें, अपनी जो है हमारी करेंसी जब डेवलप होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी रेट कम होंगे। अभी तो डॉलर की रेट देखें किधर चला गया है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा चले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, ये जो आपके पास साइकिल है इसका फ्यूचर बताइएगा। इसमें सारे फ्यूचर है, यानी कि इसमें हेडलाइट भी है और बैकलाइट भी है। ये चलाइएगा ना थोड़ी सी, ये ये इसकी की है जिससे मैंने डबल डबल इसके मीटर लगाए हुए हैं। ये मीटर जो है कभी इसमें सही नहीं पता चलता, तो ये जो है ये बिल्कुल सही बैटरी के वोल्ट सही तरह बताता है, जितने भी गिरेंगे। हाँ जी, ये भी लगे हुए हैं, अगर इसमें सही ना पता चले तो इसमें सही पता चलता है। और ये इसका हॉर्न है, ये उसका हॉर्न है, और ये इसकी रेस है, और जैसे रेस देंगे तो इसका व्हील घूमना शुरू हो जाएगा। और इसकी स्पीड जो है, इसकी स्पीड तकरीबन के 50-55 तक जाती है। इसके ऊपर हम बैठ सकते हैं? बिल्कुल बैठ सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा ये पैडल का क्या इशू है? पैडल का इशू ये है कि जब बैटरी ख़त्म हो जाए तो पैडल मार के घर तक पहुंच जाएंगे। कितना बैटरी निकाल जाती है? ये मैक्सिमम तकरीबन 60 किलोमीटर। इस तरफ आ जाए, इस तरफ 60 किलोमीटर एक चार्जिंग पे 60 किलोमीटर चल पड़ती है। जी बिल्कुल सही हो गया। अच्छा और ये जो है आपको कितने की पड़ी है, टोटल कितनी इसके ऊपर लागत आ गई? इस पे मैंने तकरीबन 50,000 की लागत की है, लगाई है। टोटल 50,000 रुपया लगा दिया। हाँ जी, 50,000 लगा दिया। ठीक है, 50,000 में ये कंप्लीट तैयार हो। जी बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो। सही हो गया। कितना ट्रैवल कर लेते हैं ये? इस पे 60 किलोमीटर तकरीबन सारे इधर शहर के, मैं माल्टोन में रहता हूँ, माल्टोन में से यहाँ पे शहर में आता हूँ, तकरीबन 2 सेकंड मेरे आराम सुकून से लग जाते हैं। जिससे नीचे थोड़ी सी चला के भी दिखाएं अपने ऑडियन को। हाँ जी, एक तरफ पाकिस्तानी इलेक्ट्रिक बाइक है, बल्कि पाकिस्तानी नहीं है, इसका पार्ट्स किधर का है? ये इसका पार्ट तकरीबन चाइना का है, चाइना से इसके पार्ट्स आते हैं। चाइना के है? हाँ जी। पाकिस्तानी नहीं है, चाइना में? हाँ जी बिल्कुल चाइना में। जो भी इसका इलेक्ट्रिक सामान वगैरह है वो चाइना से आते हैं? बिल्कुल चाइना के, चाइना से। कैसे मंगवाते हो, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं आप? जी जी, मेरे यहाँ पे एक दोस्त है असमनाबाद में, उसको मुझे जो चीज़ ज़रूरत होती है मैं उसको कह देता हूँ, तो उसका सारा सामान इकट्ठा आता है तो ट्रक के ऊपर, तो वो फिर मेरा भी साथ मंगवा देता है। सही हो गया। चले इसका हम कोशिश करते हैं नीचे उतर के भाई के साथ 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 इंटरव्यू चलेगा, और साथ में थोड़ी सी ट्रैवल भी करते हैं, देखते हैं कि कैसे चलाते हैं भाई जी। एक मिनट भाई सब्र करो। ये देखे जी, ये भाई ने स्टैंड से नीचे उतारी है और मैं भी बैठने लगा हूँ इसके ऊपर। कोई मसला तो कोई नहीं है? डबल पे चल जाएगी? नहीं, सही है, डबल पे चल गई है। चले सर ये ज़रा थोड़ा सा हमें घुमा के दिखाएं। ये देखें जी, ये स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा इसको पैंडल लगाना पड़ता है थोड़ा सा स्टार्ट के लिए, बस ठीक हो गया। फिर साथ साथ रेस देती है, बस ठीक हो गया, ये बस चल पड़ेगी। बोलते जाए बताते जी जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है, और लोगों के लिए कही है कि लोग जो पेट्रोल के लिए तंग है उनके लिए ये बहुत। पेट्रोल का क्या रेट है पाकिस्तान में? पेट्रोल का तकरीबन 300 रेट है, 300 के करीब, तो 300 के पास है। हाँ जी 300 के पास है। सही है, इसके सामने खड़ा करने आपने, बस इधर ही। अच्छा 300 के पास, यार कमाल। हाँ है यार आपस भाई, ये तो मज़ा आ गया है। हाँ जी यार, ये पाकिस्तान में भी ऐसी जो है ना टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। जी बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि लोग पैसे खर्च नहीं करते, वो बस एक जगह पे फंसे होते हैं। हाँ। जहरी बात है, जिसने 2 लाख की 1.5 लाख की बाइक खरीदनी है पेट्रोल वाली, तो वो उसका पेट्रोल भी खर्च कर सकता है। अभी 70 रेट जो है वो आपको पता है। हाँ 70 का रेट मौजूदा जो है वो 1,65,000-70,000 की हो चुकी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो कैसे फिर आपको तो बड़ी आसानी होती हो। ये उन लोगों के लिए है जो पेट्रोल से तंग है, जो पेट्रोल से नहीं अफोर्ड कर सकते। पूरे पाकिस्तान में हर बंदे ही तंग है, वो तंग है ऐसे, बस कुछ जबानी कहने वाले तंग होते हैं और कुछ इस पे आने वाले होते हैं। हाँ। उसमें से तकरीबन 80% जो होते हैं वो सिर्फ बातें ही करते हैं, 20% वाले इस पे आते हैं बस तकरीबन। ये दिखाएंगे, ये देखें जी, ये मोटर लगी हुई है चाइना मेड, ये पीछे वाला व्हील है, पीछे वाले व्हील में भाई ने मोटर लगाई हुई है, चाइना मेड की है, और सामान है आधी बाइक है,
आधी साइकिल है, बैटरी दिखाइएगा। बैटरी इसका बॉक्स फिक्स है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, बैटरी इसके अंदर है? हाँ बैक सी है, इसके अंदर इसकी बैटरी है, इसके दो कंट्रोलर है जिससे मैं हेडलाइट इंडिकेटर वगैरह चला सकता हूँ, जिससे हॉर्न वगैरह। ये आगे वाला जो है ये रिम इसे बोलते हैं। ये बाइक का रिम, ये बाइक का है, थोड़ा सा ऐसे करिए। ये देखिए जी, आगे से बाइक है और पीछे से साइकिल है। ये सारा मैंने अपने जहन से बनाया यार, अपने ऐसे ऐसे पूरी पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई साइकिल नहीं है जिसने आगे साइकिल को आगे वाला मोटरसाइकिल हटगाया हो, आगे मोटरसाइकिल पीछे साइकिल। आगे अभी तक मेरे अंदाजे में किसी भाई ने ऐसा कोई कुछ किसी ने नहीं किया जी। ये पहली ऐसी साइकिल है। देखा जाए तो पाकिस्तान में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है, अगर हुकूमत लेवल से प्रमोट किया जाए तो ऐसे कई साइकिलें पाकिस्तान में भी ईजाद की जा सकती हैं। और हमने थोड़ा सा कंपैरिजन करने की भी कोशिश की, हमने भारत का भी जो है भाई को जो है साइकिल दिखाई, इलेक्ट्रिक साइकिल थी, उसकी कीमत जो है सिर्फ़ और सिर्फ 31,500 थी, और वो साइकिल भी भाई ने देखा, बड़ी भाई ने तारीफ भी की है। अभी तक जो है ना हम चाइना से माल जो है मंगवा रहे हैं, चाइना मेड है, आगे जो रिम है वो पाकिस्तानी है, और देखा जाए तो भाई ने जो है बड़ी मेहनत की है। पेट्रोल की अगर बात की जाए तो पेट्रोल इस वक्त जो है वो 300 के पास है, तो कैसे सर्वाइव किया जाएगा? पाकिस्तान में ऐसे टेक्नोलॉजी आए, पाकिस्तान भी ग्रो करे, हमें भी खुशी हो। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा, देखते रहे D7 न्यूज़। टेक्नोलॉजी देखना ना भूलिएगा, पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी भी आपने देखी, इंडियन टेक्नोलॉजी भी देखी, कंपैरिजन आपने करना है, फैसला आपने करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपने मेज़बान आना को इजाज़त दी।